सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने यूनियन जैक के नीचे जो ब्रिटिश साम्राज्य का झंडा था उसके नीचे महारानी के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको भारत के प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई और आप कहते हैं कि पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। लेकिन यह बड़ी करके कहानी इसलिए बताई गई कि आपके बीच में जो बहादुर थे, योद्धा थे, जिन्होंने किसी संगठन, जो आजकल संगठन हिंदुत्व के 1000 हर गली मोहल्ले में घूम रहे हैं, हिम्मत नहीं है कि आज भी 2022 के भारत में अपने लोगों को मजबूती से बात रखने की बात करें। आज भी चाटुकारता हो रही है, कोई हमको बता रहा है 40,000 साल पुराना डीएनए है, कोई कह रहा है मस्जिद में से क्यों शिवलिंग को ढूंढना है। ये शिवलिंग किसी संगठन का नहीं है, ये भारत राष्ट्र के सनातनियों का है। किसी को ठेका नहीं दिया है हमने कि हमको ये बताए कि ये ढूंढना है कि नहीं ढूंढना है। हमने आपको अपना ठेकेदार नहीं बनाया है, आप जिनके ठेकेदार हैं उन्हें बताइए। इस भारत में 95 करोड़ सनातनियों में से हजारों करोड़ लोग हैं जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसे आपकी जरूरत नहीं है। जब जरूरत आपकी पड़ी तो नुपुर पे आपने मुंह नहीं खोला, जब जरूरत पड़ी तो आपने कमलेश तिवारी की हत्या पे मुंह नहीं खोला। ऐसे लोग हमारे नहीं हो सकते, दुकान चल सकती है उनकी, इसलिए ऐसे लोग तब भी थे और आज भी हैं। आपको तय करना है कि आपके बच्चों को, जो अभी कविता बता रहे थे, वो जो बात उस समय कह दी गई थी शिवाजी के जमाने में, वो आज भी तो हो रहा है। आपकी पार्टी क्या है, आपका संगठन क्या है, वो हो सकता है। पार्टी राष्ट्र नहीं है, कोई सरकार राष्ट्र से बड़ी नहीं है। मेरा आज भी मानना है जिस दिन भी सनातनी अपनी सामूहिक शक्ति का भारत में प्रदर्शन करेंगे, हिंदुस्तान के तख्त पे बैठने वाली ताकतवर सरकार आपकी चौखट पे नाक रगड़ेगी। आप अपने अंदर वो पुरुषार्थ पैदा कीजिए, ये चाटुकार नेताओं के पीछे भागना बंद कीजिए। इस पार्टी से टिकट मिल गई तो हिंदू हो गए, उस पार्टी से टिकट मिल गई तो सेकुलर हो गए, उस पार्टी से मिल गई तो हम कुछ भी नहीं है। क्या वजह है कि आपके पास इतनी बड़ी ताकत है, तब भी आपके ऊपर ऐसे लोग सत्ता में चले जाते हैं जिनको आपकी चिंता नहीं होती। 70 सालों में उन्होंने आपके साथ क्या क्या किया, और ऐसे लोग हैं जो आज अफजल खान के वंशज अफजल गुरु की बरसी मना रहे हैं दिल्ली में। कहां से आती है हिम्मत? यह हिम्मत आती है कि सनातनी स्वार्थी हो गया है, सनातनी जात पात में बटा हुआ है, सनातनी भाषा में बटा हुआ है, सनातनी मेरे तेरे में बटा हुआ है, ऊंच नीच में बटा हुआ है। जिस दिन भी सनातनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, भारत में कई हजार साल तक 2014 और 2019 पैदा होंगे। मैं बार बार आपकी शक्ति की बात करता हूं, चाहे कितना बड़ा संगठन हो, कितनी बड़ी पार्टी हो, शक्ति एक आम सनातनी के पास है, इसलिए वो कभी भी आपको अपनी शक्ति का किसी भी किस्म का आपके अंदर वो मादा पैदा हो वो कोशिश नहीं करते। तो अपनी कीमत तो सही लगाओ ताकि खरीदार भी मार्केट में सोचे कि ये बहुत। अब उन्होंने मुझे ऐसे कहा, आगे बढ़ जाओ। ये भी ध्यान रखिएगा, दुनिया में जो कौमें अपने इतिहास से नहीं सीखती, इतिहास में हुई गलतियों को दुरुस्त नहीं करती, वो इतिहास बन जाते हैं। ध्यान रखिएगा, हमारे यहां हम नहीं जानते इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है। इतिहास पढ़ाया इसीलिए जाता है कि जो गलती आपके पूर्वजों से हुई थी वो दोबारा ना हो। और अगर आपके बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा योद्धा यह जानता था कि अफजल खान से मिलने जा रहा हूं, तो वो इंतजाम पहले करके गए थे। इससे भी सीखना चाहिए था। मैंने कहा ना, इन 70 सालों में
छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में मुझे वो टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों को बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने किताबें लिखी हैं, जिनकी किताबें आईएएस और पीसीएस के अंदर कंपल्सरी हैं, उन्होंने क्या लिखा है। आजाद भारत के अंदर 1947 से 1958 तक मक्का में पैदा होने वाला देश का पहला जाहिल आदमी, जो न स्कूल गया, न कॉलेज गया, न किसी मदरसे गया, उसको शिक्षा मंत्री बनाया आपने। जो सबसे महत्वपूर्ण काम था वो किसी ऐसे आदमी को नहीं देना था जो भारत राष्ट्र की गाथा लिखता। उस मक्का में पैदा होने वाले उस जिहादी को ये काम सौंपा और 10 साल तक वो शिक्षा मंत्री रहा। और इस 75 साल में हम बहुत खुश होते हैं, 6-6 जिहादी इस देश के शिक्षा मंत्री रहे, तब आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज का गुणगान करते। एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जहां मेरा जन्म हुआ, जहां मैं पढ़ा, ऐसे से आगे नहीं बढ़ते। आपकी बात सही जगह चली गई है। तब उस किताब के अंदर संशोधन किया गया, लेकिन हमारे बच्चे, आपके बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन आप अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए और संगठनों की दलाली करने के चक्कर में सच बात को नहीं बोले। आपके 8वीं क्लास की किताब के अंदर पढ़ाया जा रहा था और कितने शातिर तरीके से उसे इंडिक्ट, कितनी श्रूडनेस के साथ, क्योंकि आप तो ढपली बजाने कमाल का चैप्टर था वो। जो हम 3 लोगों को जो फांसी हुई थी, मैं अक्सर 2 के नाम भूल जाता हूं, भगत सिंह के साथ में सुखदेव और राजगुरु, उसमें से एक नाम हटाया और उसमें कोई मुसलमान पैदा हो गया और उसका नाम जोड़ दिया गया कि ये 3 लोगों को फांसी हुई थी। और आपके इस कॉलेज की, स्कूल की किताब की, सरकारी किताब के अंदर ये काम किया गया। हमने कहा, हम तो कल तक सुनते थे ये 3 लोग थे, ये फांसा इसमें कहां से पैदा हो गए, लेकिन आपने नहीं ध्यान दिया, इसलिए चल रहा था। लेकिन उनको समझ में आ गया कि जब पब्लिकली बोला, 10-12 सभाओं में मैंने यही बोला और डेलिब्रेट होके, पिन पॉइंटेड होके बोला, बाद में जाके हटी। इसलिए यह काम आपको करना चाहिए। जो आप चुनते हैं जिस एमएलए को, उस एमएलए से निजी काम करने के अलावा कुछ राष्ट्र के काम के लिए भी जाया करिए। आप राष्ट्र की बहुत बात करते हैं, राष्ट्र के लिए काम नहीं करते। जब जाएंगे तो कोई ना कोई सिफारिश लेके जाएंगे, नंबर 2 के काम को नंबर 1 कराने में जाएंगे, इसीलिए आपको नेता भी ऐसे मिलते हैं। लेकिन अभी एक घटना घटी, मैं राजस्थान से लौटा। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या सच में 26/11 जो हम जानते हैं वही सच है? और अब तो लंबा समय हो गया, बहुत सारे एक्सपर्ट ने सारे तार जोड़े और इसके बारे में मैं श्रेय देना चाहता हूं, एकमात्र आदमी भारत में है जिनके मैं पैर भी छूता हूं, गुरु भी मानता हूं, दोस्त भी मानता हूं। जब उन्होंने सारे तार जोड़े तब मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन थी, जब उनको जोड़ा तो तब पता चला कि ये कहानी हुई कहां पर है। आप 26/11 को किसी पाकिस्तान से आए हुए आदमी का हमला मानते हैं, यह बिल्कुल गलत है। जब राष्ट्रों के खिलाफ, जब बड़े बड़े आदमियों के खिलाफ कोई साजिश रची जाती है तो साजिश रचने वाला नहीं पकड़ में आता है, साजिश को इंप्लीमेंट करने वाले को समय से पहले मार दिया जाता है। 2008 की घटना है यह, मुंबई में इसलिए कह रहा हूं कि अभी 4 दिन पहले ही वो घटना निकली है। अगर आप उस सच्चाई को नहीं समझेंगे, उन तथ्यों को नहीं समझेंगे, तो ऐसी घटना होती रहेगी। 26/11 में वो जो मुल्क है जिसके ऊपर कूड़ा डालने से आप साफ नहीं हो जाएंगे, वो तो पैदा ही इसी काम के लिए हुआ था, अपने लोगों के बीच में ढूंढिए कि कौन कौन शामिल था उसमें। बहुत प्लानिंग के साथ 4 महीने पहले
भारत की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? गृह मंत्रालय के ऊपर। गृह मंत्री से सबसे नीचे कौन होता है? गृह सचिव। जब आपके नेता ही उस षड्यंत्र के हिस्से हो तो आपको अंदाजा होगा कैसे?